डेवलपर अगर आपको बनना है तो डेवलपर बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक मैनेजर जो होता है वो क्या करता है और एक डेवलपर होता है वो क्या करता है। क्योंकि कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि मैनेजर्स की पोजीशन मेरी आ गई, सीनियर की पोजीशन मेरी आ गई, इसका मतलब ये है कि अब मैं मेरी मनमानी करूँगा। तो ये दोनों के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर है, ये दोनों के बीच में भी डिफरेंट है। तो आपको ऑलवेज मैनेजर न बन के मैनेजर के साथ आपको डेवलपर बनना है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है उसके ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो एक मैनेजर कौन होता है, तो एक मैनेजर की परिभाषा आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही होगी, वो कम ऑफिस टाइमली। जो इंसान टाइम पर ऑफिस पर पहुंच जाता है उसकी कलाकारी जो है वो एक मैनेजर की है। दूसरा है वो डू ऑलवेज दोस वर्क गिवन बाय हिम सुपरवाइजर। वो इंसान अपने सीनियर से या अपने ओनर से या कंपनी के मालिक ने दिए हुए सारे काम जो करता है या उसके लीडर ने जो उसको काम बताया वो करता है, वो एक अच्छा मैनेजर होता है। उसके बाद यहां पर बात बताई गई है वो मैनेज कंपनी ऑफिस एंड स्टोर, मतलब आप जिस प्रीमाइसिस के अंदर है उस प्रीमाइसिस का बेहतर ढंग से अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो और हर चीजों को मैनेज कर रहे हो तो आप एक अच्छे मैनेजर हो। वो रिपोर्ट डेली टू हिज सुपरवाइजर, पूरे दिन का काम करके शाम को जो इंसान अपना रिपोर्ट अपने सीनियर को दे देता है वो एक अच्छा मैनेजर होता है। और वो टेक केयर ऑफ कंपनी इक्विपमेंट, कंपनी के अंदर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लाइट हो गया, मशीन हो गया, जितनी भी चीजें कंपनी के अंदर आती है जो कंपनी की एसेट्स होती है उसको संभालने का काम जो इंसान करता है जिसको हम कहेंगे मैनेजर। तो अब आपको समझना यह पड़ेगा कि आप आज की तारीख में अगर ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आप कंपनी के एक अच्छे मैनेजर हो। लेकिन सवाल ये आता है अच्छा मैनेजर बनने से ही हम ग्रो नहीं हो पाएंगे, हमें अच्छा डेवलपर बनना पड़ेगा। और अब एक अच्छा डेवलपर कौन होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो वो क्लियर हिज विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग, जो इंसान कोई भी काम करने से पहले अपना विजन क्लियर कर लेता है और विजन क्लियर करके फिर उस काम की शुरुआत करता है वो एक डेवलपर है। आप सभी लोगों के कंपनी के विजन होंगे, अगर नहीं है तो आपको उस कंपनी के विजन बनाने होंगे। आप सभी लोगों के जीवन के विजन होने चाहिए, आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए और वो पर्पस जब आपका क्लियर होगा तो काम करने में और ज्यादा मजा आएगा। और हर इंसान की जिंदगी में दो चीजें होनी बहुत जरूरी होती है जिसको हम कहेंगे, एक होता है प्रोफेशनलिज्म और दूसरा होता है पर्सनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म के अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो एक प्रोफेशनली काम जब हम करते हैं तब हमारी कंपनी के अंदर जो डेवलपमेंट हमें करना होता है वो हम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। और दूसरा होता है प्रोफेशनली वर्क। तो कई लोग पर्सनल काम के अंदर बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं लेकिन प्रोफेशनल काम जो है वो अच्छी तरीके से कर नहीं पाते और उसी के कारण उन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको ऑलवेज ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ इन दोनों को बैलेंस करके आपको चलना है। और ये दोनों के अंदर आपके गोल होने चाहिए, ये दोनों के अंदर आपके विजन होने चाहिए और उसको अचीव करने के लिए आपके एफर्ट्स लगने चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीजों को हमें आगे बढ़ाना होता है और क्या करने की आवश्यकता होती है एक अच्छे डेवलपर के लिए। तो दूसरी चीज है वो फ्री हिज लीडर फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क। सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पर देखनी है, आपके लीडर को आपको रूटीन से फ्री करना है। और आप अगर एक कंपनी के ओनर हो तो आपकी जिम्मेदारी है आप खुद फ्री होने चाहिए। सवाल यह आता है लीडर क्यों फ्री होना चाहिए या लीडर को फ्री करना क्यों जरूरी है। बहुत बड़ी चीज होती है, किसी भी बिजनेस के अंदर दो तरीके के काम होते हैं, एक होता है बिजनेस का रूटीन चलाना और दूसरा होता है बिजनेस का डेवलपमेंट करना।
बहुत सारे ओनर या बहुत सारी कंपनियां ग्रो इसलिए नहीं करती है क्योंकि उनके ओनर रूटीन के काम में लगे हैं, और रूटीन के काम में लगने के कारण डेवलपमेंट के काम जो है वो उनके छूट जाते हैं। तो आपको एज अ मैनेजर अगर कंपनी ने अपॉइंट किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके लीडर को रूटीन से काम से फ्री करवाना और उनको आगे अथॉरिटी देना कि सर आप डेवलपमेंट देखो, रूटीन जो है वो मैं देखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरीके से आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। फिर एक अच्छा डेवलपर कौन होता है, वो मैनेज हिज टीम रेगुलरली अपडेट हैं। आप अकेले कितने भी बड़े तुरम खान बन जाओ या आप अकेले कितने भी मास्टर ब्लास्टर बन जाओ, किसी एक इंसान से कोई भी टीम जीतती नहीं है। जैसे कि आज आप सभी लोगों ने वर्ल्ड कप देखा होगा 2020, और उस वर्ल्ड कप के अंदर आपको पता चला होगा कि टीम जीतती है, कोई इंसान नहीं जीतता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी टीम की एफिशिएंसी क्या है और उनको रेगुलर अपडेट करना है, और ये दोनों करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेवलपर उठाता है जो आप है। फिर आपको देखना है वो ऑलवेज थिंक सभी तरीके का ग्रोथ करना, और सभी तरीके का ग्रोथ हर एक इंसान को दिलाना वो एक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप लोगों को यहां पर निभानी है। और वो अंडरस्टैंड कस्टमर टीम नीड वांट एंड डिजायर, आपको अपने कस्टमर की नीड, अपने टीम की नीड, उसकी डिजायर, उसकी वांट, उसको समझना पड़ेगा। एक अच्छा मैनेजर वो होता है या एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेरेंट्स का रोल प्ले करता है, और पेरेंट्स का रोल का मतलब होता है मदर रोल भी उसको प्ले करना है और फादर वाला रोल भी प्ले करना है, और ये दोनों रोल जो बेहतर ढंग से प्ले कर पाता है वही अपने बच्चों को अच्छा ग्रो कर पाता है, और वही पर्सन अपने टीम में काम करने वाले लोगों को अच्छा ग्रो कर पाता है। तो आप लोगों को अपने जीवन के अंदर इन सारी चीजों को अपनाना जरूरी है अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो। तो क्लियर, आगे बढ़ते अब हम बात करेंगे बी अ डेवलपर रदर देन मैनेजर। जैसा मैंने आपको बोला, एक मैनेजर जो होता है उसका काम कई बार होता है वो ऑर्डर दे देता है, उसका काम कई बार होता है वो कंपनी के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स खेलता है, उसका काम कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को ज्यादा एडवांटेज दे देता है, कुछ लोगों को कम एडवांटेज देता है, और बहुत सारी जगह पर पार्शियलिटी होती है। तो ऐसे रोल में आपको नहीं आना है, आपको एक डेवलपर के रोल में आना है जिस पे जगह पर सभी लोगों को एक तरीके से आपको ट्रीट करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थ्री टाइप मैनेज इन ऑर्गेनाइजेशन। तीन तरीके के मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, तो आपको चेक करना है कि ये तीन सिचुएशन में आप कौन सी पोजीशन के ऊपर आते हो। तो सबसे पहली सिचुएशन यहां पर होती है पोजिशनल मैनेजर, जिसको एक पोजीशन मिल गई और वो मैनेजर बन गया तो उसकी पोजीशन के हिसाब से वो मैनेजर बना। आगे डिटेल में बात करेंगे कि वो होते कैसे हैं और उनको करना क्या होता है। दूसरे होते हैं डूअर मैनेजर, जिनका काम ये होता है जो बोला जाए, जितना बोला जाए, जितना कहा जाए वो सब कर देते हैं, लेकिन जितना बोला जाए उतना ही करेंगे, उससे एक स्टेप भी आगे नहीं जाएंगे। तीसरे कैटेगरीज के अंदर लोग होते हैं लीडर मैनेजर, जिनको बताना ना पड़े, जिनको बोलना ना पड़े, जिनको बार बार चीजें क्लियर करना ना पड़े, वो खुद से ही सारी चीजों को समझकर अपने काम को बेहतर करे, वो एक लीडर मैनेजर होते हैं। तो अब आगे हम यहां पर बात करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरीज में आते हो, आपको अपना खुद का मूल्यांकन करना है और चेक करना है ये तीनों में से आपकी पोजिशन कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे पोजिशनल मैनेजर। तो पोजिशनल मैनेजर वाले जो लोग होते हैं उसके सिम्टम्स के ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है, रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट। एक रिलेशन बहुत ही बेहतर बिल्ड कर दिया होता है ओनर के साथ, कंपनी के मालिक के साथ, और उनके खुद के रिलेटिव ही होते हैं और वो उस पोजिशन के ऊपर पहुंच गए होते हैं।
दूसरा होता है डिग्री वर्सेस एक्सपीरियंस। इन लोगों के पास बेसिक डिग्रियां होती है, बेसिक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उनके कंपनी के ऑनर के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण उनको एक पोजीशन दे दी गई होती है। कई बार यहां पर देखा गया है बाहरी इंफ्लुएंसर, बाहर के लोग, घर परिवार के लोग अलग तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि मेरे मामा का लड़का है, मेरे मौसी का लड़का है, तो आप इसको भी सेट कर लो, अपनी कंपनी के अंदर जॉब दिला दो, कुछ भी करके उसको काम पर लगा दो। और वो बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण हम लोगों को लेकर आते हैं और उनको अच्छी पोजिशन दे देते हैं। उनके अंदर स्किल नहीं होगी, उनके अंदर विल नहीं होगी, फिर भी वो पोजिशन लेकर बैठे हैं। ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। फिर लॉन्ग टर्म वर्सेस वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है जितना लंबा हम रुकेंगे या जितना लंबा हम रहेंगे अपने आप ग्रो होते जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो खाली ऐसा सोचते हैं कि दिन खत्म हो जाए, महीना खत्म हो जाए, साल खत्म हो जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद ये लोग होते हैं सो रदर देन स्किल, उनके अंदर कोई भी तरीके की स्किल नहीं होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल होने का दिखावा करते हैं, वो प्रोफेशनल बनने का एग्जाम्पल सेट करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब चेक किया जाता है कि रियलिटी में वो है कि नहीं है, तब सारी की सारी चीजें सामने आ जाती है कि एक्चुअल में उनके अंदर वो विल है ही नहीं, एक्चुअली उनके अंदर वो स्किल है ही नहीं, वो खाली क्या कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी तरीके का लक्षण अगर है और उस लक्षण के हिसाब से अगर आप अपने आप को डेवलपर समझ रहे हो, मैनेजर समझ रहे हो, तो आप अभी भी वो है जो आपको होना नहीं चाहिए। सेकंड चीजों के उत्तर हम बात करेंगे कि अब आपको समझना क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पोजीशन के ऊपर जो लोग होते हैं वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में करते क्या है। तो जो लोग ये पोजीशन के ऊपर पोजीशन के हिसाब से पहुंच गए होते हैं, उनका काम पहला ये होता है, दे सो द पावर एंड पोजीशन फॉर द टीम। वो एक पावर दिखाएंगे, वो एक पोजीशन दिखाएंगे कि मैं आपका लीडर हूं, मैं आपका सीनियर हूं, और उस तरीके का वो लोगों के ऊपर बोलते हैं ना, अलग से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिस प्रेशर के अंदर लोग परफॉर्म नहीं करते हैं। ये लोग जो होते हैं दे डू नॉन रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटी इन कंपनी प्लेस, नॉन रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटी, इसका मतलब ही ये होता है काम करने का दिखावा करना, काम करना नहीं। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, काम करने का दिखावा करना, काम करना नहीं। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, जिन लोगों को खाली आदत हो गई होती है अपने आप को बिजी दिखाना, तो वो इधर उधर टाइम लगाएंगे और अपने आप का दिन पूरा कर लेंगे। फिर ये लोग जो होते हैं दे नेवर एक्सेप्ट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो बदलाव के साथ अपने आप को बदलेंगे नहीं, और वो ऐसा सोचेंगे दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाए, कंपनी बदल जाए, मैं बदलूंगा नहीं, मैं जैसा था जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ये लोग कई बार ऐसा कमिटमेंट लेते हैं, आज तक इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो मुझे बदल सके। तो सर आप खुद कौन से खेत की मूली हो, हमें ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो हम बोलते हैं प्रभु बचा लो इनसे और ऐसे लोगों से, क्योंकि इनका कुछ नहीं होगा। फिर जो लोग होते हैं दे डू डीमोटिवेट दैट टीम एंड क्रिएट नेगेटिव एटमोस्फियर इन योर ऑफिस। ये लोग जो होते हैं वो कंपनी के अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी को फैलाते हैं और नेगेटिव काम को फोकस करते हैं, और टीम के अंदर जो परफॉर्म करने वाला बंदा होता है उसका टांग खींचने का काम होता है। तो इस तरीके का माइंडसेट इन लोगों का होता है, दे डू लॉट्स ऑफ इंटरफियर इन अदर वर्क।
जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान काम करके कंपनी को अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है, इन लोगों के पेट में वो बात पचती ही नहीं है कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूं, अगला कर रहा है तो उसको करने दो अच्छा काम, वो उसको अच्छा काम करने से रोकेंगे और उसके काम में टांग अड़ाएंगे। तो ऐसी कैटेगरीज वाले जो लोग होते हैं, वो लोग एक इंफ्लुएंस के साथ कंपनी की पोजीशन पर आते हैं, उनके अंदर वो दम नहीं होता है कि उस पोजीशन के ऊपर एक अच्छा परफॉर्म करे। तो ये कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको वहां से बाहर आना पड़ेगा।